अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं आया था यहाँ पे, लाइट लगाई थी पार्लर पीपल को तो वो उतारने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि अबू जी ने उतार के यहाँ पे सारी रख दी है, तो अभी सिर्फ पैक करने वाली रहती हैं, तो इन्हें मैं पैक कर दूँ डब्बों में तो फिर रख देते हैं। चले जी, सारी लाइट जो है वो डब्बे में पैक कर दी है, तब पे अबू जी खुद ही रख देंगे जहाँ पे रखनी होगी। तो ये क्या हुआ, सारी वीडियोज प्राइवेट हैं, ये क्या गाइस? मुझे लग रहा है मेरा चैनल जो ना वो हैक हो गया। तो अभी अभी आया और मैंने अपना चैनल चलाया यूट्यूब, तो वहाँ पे कुछ और ही आ रहा है सामने, अभी आपको भी दिखाता हूँ एक मिनट। ये चेक करें, सारी वीडियोस जो है मेरी प्राइवेट हैं, जितनी भी वीडियोस हैं सारी प्राइवेट हैं। और ऊपर ये कोई चाइनीज़ लड़का है, इसने डाली है 3 वीडियोस, तो कोई बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के मतलब है। तो इसने नाम क्या रखा है, ब्रावो जी क्रिप्टो, यानी कि मेरा चैनल जो है वो हैक हो गया। तो अब मैंने वैसे पासवर्ड वगैरह तो सारे अपने चेंज कर दिए हैं दोबारा से एक मरतबा, अब ये पता नहीं कैसे हैक हुआ कैसे नहीं। कहते ये उसने मेरा चैनल डिलीट नहीं किया, उसने सिर्फ अपने 3 वीडियोस डाली हैं। तो अब ये सूरत हाल है, वो मेरी सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं। तो अब मैं देखता हूँ क्या करना है इसका। तो ये बड़ी मेरे साथ वो पता नहीं कह रहा है, एक तो मेरा चैनल वैसे नहीं ग्रो हो रहा, और ऊपर से इस तरह की जो है काम शुरू हो गए। पहले मेरे चैनल का जो था उन्होंने अकाउंट सस्पेंड कर दिया, फिर मैंने उसकी ऑनरशिप चेंज करके दोबारा से अपना अकाउंट बहाल किया ये ब्रावो जी वाला, लेकिन अब ये अटैक आ गया कोई, तो अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा। आज ये वीडियोज डली हैं 17 अक्टूबर 2022, तो ये वीडियोज़ आज डली हैं। एक में 300 व्यूज़ भी आ गए, यहाँ पे 300 व्यूज़ भी आ गए और यहाँ पे 23 व्यूज़ हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है अभी मेरे चैनल की। अभी फ़िलहाल मैंने पासवर्ड वगैरह सारे चेंज कर दिए, तो बस ये वीडियोज़ हैं अपनी मैं करता हूँ प्राइवेट, और चैनल का नाम चेंज करता हूँ और इसकी करता हूँ प्राइवेट, अपनी पब्लिक कर लेता हूँ। अब गाइस इसकी तो 3 वीडियोज़ थी, वो तो मैंने प्राइवेट कर दिया। मेरी जो है तकरीबन 300 वीडियोज़ हैं, 300 तकरीबन कह लें, 250 वीडियोज़ कह लें, तो वो अकेली अकेली मुझे अब वो करनी पड़ेगी पब्लिक। क्या यार क्या मसले है, तभी मैं इसका कोई हाल ढूंढता हूँ कि एक ही क्लिक में हो जाए तो वो अच्छी बात है। अगर तो मुझे अकेली अकेली करनी पड़ी तो मेरी तो बाढ़ लगी है, अकेली अकेली को मैं करूँगा पब्लिक। तभी देखते हैं कोई सूरत हाल निकलती है, कोई जो है रिजल्ट निकलता कि निकलता। वैसे ये चैनल हैक हुआ कैसे ये मुझे समझ आती, चलो कुछ तो करते हैं। गाइस तरीका मिल गया है कि किस तरह जो है मैंने अपनी सारी वीडियोस हैं वो लाइव करनी है, तो आप भी कर लेते हैं अपनी सारी वीडियोस को लाइव। चलिए जी गाइस, मेरी जो सारी वीडियोस हैं वो हो गई हैं पब्लिक, और ये जो 3 वीडियोस हैं ना ये मैं कर देता हूँ अब डिलीट। अभी पहले तो मैं ये सारा ख़त्म करूँ। अब ये 3 वीडियोस हैं, इनको करना है डिलीट अपने चैनल से, और इन्हें कर देते हैं डिलीट परमानेंटली। ओके ओके, डिलीट फॉरएवर, ओके एंड देन गो। अब होप फॉर द बेस्ट है कि दोबारा मेरे चैनल में इस तरह का काम ना होगा, दोबारा इस बंदे ने ये काम किया ना तो ये मेरा चैनल ही उड़ा देगा। तो चैनल का नाम भी अभी मैंने चेंज करना है, तो अब बस इसके पास एक्सेस ना हो मेरे चैनल की। अगर इसके पास एक्सेस हुई मेरे चैनल की तो मेरा चैनल गया, टाटा बाय बाय हो जाना। तो ये वीडियोज़ भी बदले में डाल सकूँगा कि नहीं डाल सकूँगा, चलो देखते हैं। अभी फिलहाल ये वीडियो करके और चैनल का नाम वगैरह मैं चेंज कर नाम वगैरह चेंज कर दिया चैनल का, तो अब बस होप है कि दोबारा से हैक ना हो, तो देखते हैं। चलें, बाइक की बैटरी जो है वो भी डेड हो गई है, तो 2 दिन नहीं चलाई थी मैंने, तो दोबारा मैंने चलाई है, तो अब बाइक की बैटरी ना वो डेड हो गई है, वो जो सेल्फ है वो काम नहीं कर रहा, बस धक्का लगा के स्टार्ट हो रही है। तो वैसे भी 2 दिन से मैंने कपड़ा नहीं डाला, मिट्टी चेक करें कितनी ज़्यादा उसके ऊपर, हम ये चेक करें मिट्टी बहुत ज़्यादा मिट्टी, ये चेक करें। अब मुझे ना न्यू बैटरी है वो खरीदनी पड़ेगी, तकरीबन 5-10 हज़ार की है। आज खाने में पकी है जी गोभी, अभी खा लेते हैं खाना। अपने कमरे का जाला तकरीबन मैंने 1 मंथ या 2 मंथ पहले साफ किया था, तो अब जो है ना जो मकड़ियाँ हैं या मकड़े हैं काफ़ी ज़्यादा हो गए इस रूम में, तो वो जाला भी ना बहुत तेज़ी से बना रहे और काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा जाला बना रहे। और आजकल जो मच्छर हैं रात के वक्त, तो वो खुला रूम है ना, सामने खुली फिजा है और मेरा रूम है, तो दरवाज़ा खोल के मैं बैठा करता हूँ, तो रात को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है मच्छर आ जाते हैं। तो मेरी वैसे टांगे वगैरह भी काटते हैं और हाथ वगैरह भी काटते हैं, लेकिन जो जालों का ना फ़ायदा थोड़ा सा मुझे हुआ है। तो वो फ़ायदा क्या हुआ, तो अभी आपको दिखाता हूँ। चेक करो भाई, ओए होए 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 होए, मच्छर ही मच्छर, मच्छर ही मच्छर, मच्छर ही मच्छर। ये मेरे ख्याल मच्छर नहीं है, ये मेरे ख्याल कुतरी नहीं होती, कुतरी कुतरी तो वो है, तो वो यहाँ पे जालों में आके फंस चुकी है। तो जाले भी काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म का जाला लगा लिया उन्होंने दोबारा फिर से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो कुतरी है ना तो वो यहाँ पे फंस गई है आगे।
वैसे सारे रूम में ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लग गया, तो अब क्या करें इसका। मैं सोच रहा हूँ कि ना पानी में नमक मिला के, मैंने सुना था किसी से, तो वो छिड़काएंगे बाद में, फिर ज़्यादा बताएंगे। ये भी मैंने सुना कि जितना ज़्यादा ये मकड़ों को ना दबाया जाए तो ये उतने ही ज़्यादा अग्रेसिव होकर ज़्यादा ज़्यादा बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो बात जो है सच साबित हो रही है। तो वैसे मैंने सोचा सुना था कि जब सैलाब आता है ना, तो जो सैलाब ज़्यादा इलाके होते हैं, बाकी जो मकड़ी होती है तो वो पूरे पूरे दरख्तों को अपने लपेट में ले लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे चैलेंज का सामना है, तो वो उस चैलेंज से लड़ने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जाला बनाती है। मुझे भी यही लग रहा है कि जाला पहले से काफ़ी ज़्यादा बनाया है उन्होंने, और उनकी वैसे भी जो पैदावार है यानी कि जो मकड़ियाँ हैं वो ज़्यादा बन रही हैं, जाला काफ़ी ज़्यादा हो गया रूम में। एक मरतबा सुबह चूज़ों को मैंने डाल दी थी खुराक, तो अभी दूसरी मरतबा ये जो है ना गोभी के, तो ये काट के उन्हें डाल देता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा ना ये वाले मोटे मोटे जो काट दूंगा, बाकी जो आलू के छिलके हैं वो इस तरह ही डाल देंगे, वो खा लेंगे। ये थोड़े से काट देता हूँ। चलो ये जितना पतला सा जितना बारीक सा मैं काट सकता था उतना बारीक बारीक मैंने काट दिया, तो अभी जाके चूज़ों को डाल देता हूँ। खानो की हो गया, सब्र करो, सब्र 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 करो। हलो, पानी मैंने सुबह ही इन्हें चेंज करके दिया था, तो ये चेक करें बर्तन का क्या हो गया, सारा पानी उल्टा दिया उन्होंने। अभी दोबारा से पानी चेंज कर देता हूँ। क्या जा रहा है, किधर जाना की करो, क्या करने यार? कहते अभी बजने शाम के तकरीबन 5:30 हो रहे हैं, तकरीबन 5:45 जो है मगरब की जाने हो जाएंगी। तो अभी मैं छत पे आके बैठ गया हूँ, और चूज़ों को भी मैंने अभी खुला छोड़ दिया कि थोड़ा सा घूम फिर लें, काफ़ी सारा दिन से अंदर ही रहते हैं। अभी शाम हुई है तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम है, तो मैंने खुला छोड़ दिया कि बाहर फिर लें। वैसे भी मैं नीचे बैठा बैठा बोर हो रहा था, बाइक को सलव लगाया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो नवीर भाई भी ऊपर आ गए। किधर तो हो रहा है, आ जा आ जा आ जा। नवी भाई कैमरे से देख रहे, शर्मा के चले गए। लेकिन ना मैंने सोचा था हैं, आप चैनल हैक हो गया थी मेरा। नवी भाई को भी पता है, नवी भाई ने भी देखी थी, तो वो वीडियोस कह रहे मैं साइड पे भी चला गया था जो उसने शेयर किए। तो इसे नवी भाई को रात को ही पता चल गया था, 12 बजे तक कह रहा था कि चैनल तुम्हारा हैक हो गया था, लेकिन मुझे तो सुबह पता चला कि मेरा चैनल जो है वो हैक हो गया। तो मैं बात कह रहा था बाइक को, मैंने सलफ लगाने की कोशिश की कि बाइक स्टार्ट हो फिर हम बाहर चलें राइड करके आएँ, तो बाइक भी नहीं स्टार्ट हुई। तो अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि अभी बाइक की बैटरी 10,000 की डलवाऊं, तो अभी बाइक इसी तरह मैंने खड़ा कर दिया। वैसे भी पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो पेट्रोल भी मैनेज नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा अभी बाइक खड़ी रहे ठीक है, जब पैसे होंगे वो डलवा लेंगे। अभी एक ट्रिप का भी प्लान बन रहा था, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए थे। तो ये जो जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मोबाइल मैंने सेल पर लगाया, लेकिन सेल होता होता रह गया, बाद में मेरा मूड ही चेंज हो गया, तो वो ट्रिप भी बीच में रह गया। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा काम है जो बीच में रह गए, तो बस इसी तरह लाइफ चल रही है। समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जो व्लॉग्स हैं तो वो डेली मैं कर नहीं पा रहा, और जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो वो भी कुछ इस तरह के मुझे अच्छे नहीं लग रहे, जैसे मैं चाह रहा हूँ ना व्लॉग आए, तो उस तरह के व्लॉग आते नहीं हैं, तो वो एक वो भी प्रॉब्लम है। वैसे वो सामने जो है ना सनसेट का जो मंज़र काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, आप भी थोड़ा सा देख लें, चेक करें कलर चेक करें कैसे। मैंने सोचा था कोई ट्रिप वगैरह लगाऊंगा, कोई कंटेंट में चेंज आएगा और कुछ मुझे भी मोटिवेशन होगी, कुछ आपको दिखाने के लिए भी होगा, तो वो भी जो थी बात बीच में ही रह गई है। कभी तो ज़िंदगी में इंशाल्लाह ट्रिप भी लगाएंगे, तो इस बार भी बाइक का ट्रिप लगाना था तो वो हो गया कैंसिल। अमेज अकेले अमेज, हाँ हाँ अच्छा बहू दो चावा भी ला रही हैं, दो चावा भी ला रही हैं, दो चावल ला जाके दो चावल ला जाके बैल कि लगा पहले की क्या बाया बाया हां गल बज नहीं रहा नहीं तो वा गल बज बड़ा चिट्टा थूड़ पा गया। तो कहते अभी हम आ गए हैं घर, तो टाइम हो रहा है 10:10, तो अभी मैं बैठ के यहाँ पे ब्लॉग जो है वो एडिट करने लगा हूँ। मच्छरों ने जो है मुझे काटना स्टार्ट कर दिया है, तो अच्छा खासा काट रहे हैं, तो वैसे भी ब्लॉग मेरा एडिट हो चुका है, तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ाना किसी तरीके से दोबारा से एक्टिवेट हो और दोबारा एक्टिव हूँ, तो दोबारा वीडियो जो है मैं डाला करूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ। तो पता नहीं साल हो गए इसी कोशिश में, अभी दोबारा फिर से कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन ये भी कोशिश चलाया तो कि एक्टिव हों दोबारा और रोज़ रोज़ वीडियोस डालने की कोशिश करूँ। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।